काका कालेकर का जन्म 1 दिसंबर 1885 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा नामक जिले में हुआ था। इनकी मातृभाषा जो थी, महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है वह है मराठी, तो इनकी जो मातृभाषा थी वह थी मराठी। पर फिर भी काका कालेलकर ने 5 भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और बांग्ला। इन 5 भाषाओं का इन्होंने प्रतिभा संपन्न अध्ययन किया, बहुत ही अच्छे से इन्हें पढ़ा और इसका अध्ययन किया। ये बहुत ही अच्छे विचार एवं अच्छे आवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इनकी जो शैली थी वह थी विवेचनात्मक, वर्णात्मक, विचारात्मक, परिचयात्मक, सुख, ये सब इनकी शैलियाँ थी। और इन्होंने जो युग होते हैं उसमें से शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के ये लेखक थे। इन्होंने शुक्ल और शुक्लोत्तर युग की रचना की थी, लेखक थे। भाषा सरल, इन्होंने अपनी कृतियाँ यानी जो उनकी कृति थी, जो ये लिखते थे काव्य, निबंध, संग्रह या फिर चाहे जो भी ये लिखते थे, ये सरल एवं जो अच्छे से पढ़ी जा सके, बोधगय, प्रभावयुक्त एवं खड़ी बोली। अधिकतर इन्होंने सरल, बोधगय और प्रभावयुक्त खड़ी बोली आदि भाषाओं के ही आधार पर अपनी कृतियों की रचना की है। और इनका जो प्रमुख कृतियाँ थी वह थी जीवन काव्य, जीवन साहित्य, हिमालय प्रसार यात्रा, उस पार के पड़ोसी, लोक यात्रा, संस्मरण, बापू की झांकिया। और जो इनकी जो सबसे प्रमुख कृति थी वह थी निष्ठामूर्ति कस्तूरबा गांधी बापू, जो कि हमारी राष्ट्रमाता है, उनकी बारे में इन्होंने कृति लिखी थी। और इनकी मृत्यु सन 21 अगस्त 1981 ईस्वी को हो गई थी।